दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बस्टक प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों आज जो हम घर देख रहे हैं वो बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, गेटेड सोसाइटी, सिक्योर्ड, बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, सीसीटीवी कैमरास के साथ, और इसके अलावा आपके पास क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गार्डन, पार्क, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। दोस्तों 15 एकड़ की सोसाइटी रहेगी, रनिंग सोसाइटी है, फैमिलीज यहाँ पर रह रहे हैं। अपार्टमेंट दिखाने से पहले हम आपको जो है सोसाइटी की झलक दिखाएंगे जहाँ पर आपके पास लोग रह रहे होंगे, मार्केट आपको सारी नज़र आएगी। दोस्तों लोकेशन की बात करें तो एग्जैक्टली जो हमारी चंडीगढ़ खरड़ हाईवे है, जैसे ही आप उतरते हैं फ्लाईओवर से, आपके बिल्कुल सामने आपको ये अपार्टमेंट्स हमारे नज़र आते हैं। और हमारे अपार्टमेंट यहाँ पर जो बने हैं 110 गज के अंदर बने हैं, मतलब कि 1000 स्क्वायर फीट के अंदर 2 BHK के अपार्टमेंट्स हैं स्टोर रूम के साथ, वाकई बड़े शानदार है। ट्रस्ट मी, आज के जो अपार्टमेंट हो गए ना, स्पेस वाकई बहुत बड़ी होगी, आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा यार कि ये कुछ अलग चीज़ है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी सोसाइटी की तरफ, एक चक्कर मारते हैं, फिर पहुंचते हैं अपने अपार्टमेंट पे। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे बिल्कुल सोसाइटी पूरी तैयार है, गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, तो देखिए फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये नई सोसाइटी है, काफ़ी अच्छी है, पूरी तैयार है, लोग रह रहे हैं, काफ़ी अच्छे से बसी हुई है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने अपार्टमेंट के पास। हमारे एक कॉरिडोर में हमारे पास 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे लेफ्ट और राइट में, और यहाँ पर हमारा जो अपार्टमेंट जिसे हम देखने आए हैं। और दोस्तों एंट्रेंस पे जो हमारा मेन डोर है काफ़ी हाइट की है, बिल्कुल 9 फीट की हाइट तक जाता है रोशनदान के साथ, तो काफ़ी अच्छी हाइट है और बिल्कुल प्रैक्टिकल सा अपार्टमेंट है, देखकर आपको पूरा समझ आ जाएगा। मेन एंट्रेंस डोर बिल्कुल डिजिटल लॉक के साथ हमें मिल जाएगा। आप यहाँ पे बायोमेट्रिक से भी ओपन कर सकते हो और वैसे भी। और जैसे हम अंदर आते हैं यार, हमारे पास एक खूबसूरत सा बड़ा सा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। जी हाँ, जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको यकीन नहीं होगा 2 BHK के अंदर यार इतना बड़ा अपार्टमेंट। एग्जैक्टली आप इसको देखेंगे जैसे जैसे तो आपको समझ आ जाएगा। ड्राइंग डाइनिंग एरिया हमारा जो रहेगा आपका 11x18 का रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा साइज है। फ्लोरिंग हमारी जितनी रहेगी वो सारी आपकी बैटरी फर्टाइज रहेंगी, और बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। एक बड़ी सी खिड़की है इन पर्दों के पीछे, और जो आपका वो सोफ़ा सेट है आपका 5 सीटर यहाँ पर लगा है, अगर हम इसे 7 सीटर भी लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पर लग सकता है। स्पेस हमारे पास बहुत अच्छी है, जो कि एल शेप में आपका ड्राइंग डाइनिंग है, तो हमारे पास यहाँ पर इजीली बहुत अच्छी स्पेस निकल आती है। यहाँ पर सिर्फ हमने ड्राइंग और डाइनिंग नहीं है, उसके अलावा भी हमारे पास स्पेस काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। देखिए वहां से अगर यहां तक देखते हैं, काफी अच्छी स्पेस हमें यहां पर नजर आती है, यह समझ आती है कि स्पेस यहां पर है। आप मुझे इतना कहता हूं, जब आप खुद यहां पर इसे देखने आएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि यार सिर्फ 110 गज या 1000 स्क्वायर फीट में इतना बड़ा। ये एग्जैक्टली देखकर ऐसा लगता है 125 गज की जो प्रॉपर्टी होती है। यहां पर हमारा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल हमारा यहां पर लगा हुआ है, यहां पर 4 सीटर आप इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद जो ये वाली स्पेस है ये आपके बिल्कुल फ्री रहती है, ओपन है, यहां पर आप इजिली वॉक थ्रू करिए, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी यार। सीलिंग पर बहुत ही प्यारा सा काम है। जी हाँ, ये सीलिंग देखकर ना दिल खुश होता है। और बिल्कुल साथ में हमारा जो रहेगा किचन रहेगा, किचन हमारा एल शेप के अंदर रहेगा, बहुत प्यारा सा डिजाइन किचन के अंदर किया गया है। मुझे इतना पता यार, जब आप खुद आ जाएंगे ना इसको देखने के लिए, तो यार वाकई दिल खुश हो जाएगा आपका। ब्लैक टॉप आपका रहेगा सारा ग्रेनाइट का, और ठीक सामने उसके जो आपके टाइल्स रहेंगे बहुत ही प्यारे से कलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, और डिज़ाइंस के साथ ठीक ऊपर आपके जो रहेगा आपका डिजिटल इलेक्ट्रिक चिमनी आपको यहाँ पर मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत सी।
और जितने कैबिनेट्स हम यहाँ पर सारे मिलेंगे वो सारे डबल लेमिनेशन होंगे, और यार बड़े अच्छे तरीके के साथ डिजाइन की गई चीज है, आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि हाँ यार यहाँ पर काम जो किया गया है वो पूरा प्रॉपर है। हाँ देखिए, ऊपर सारे कैबिनेट्स हैं, नीचे पूरे प्रॉपर कैबिनेट्स हैं, प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ है, और काफी हैवी है यार, काफी हैवी मटेरियल आप रखते तब भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सॉफ्ट। कहने का मतलब ये है कि आपका जितना भी सामान होगा यार वो पूरा का पूरा अंदर आएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हमारा कोई चीज नीचे रहेगी, बाहर रहेगी, इधर रहेगी, उधर रहेगी, नहीं। किचन आपको जो मिलती है वो पूरी प्रॉपर मिलती है यहाँ पर, कॉर्नर में भी आपको बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है, और यहाँ पर नीचे हमारे पास डस्टबिन आ जाएंगे, वो लगने अभी बाकी है, और सिंक जो रहेगा हमारा डबल रहेगा जैगुआर के टैप्स के साथ, जो डिजाइनर टैप्स हैं, काफी स्टीप है आपका सिंक, देखिए बिल्कुल काफी हार्ड मटेरियल है, आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक ऊपर खिड़की और उसके ऊपर जो है आपके गीजर के पॉइंट्स। तो कुल मिला के यार किचन बहुत ही अच्छी प्यारी सी है, और ये जो चीज़ हमें यहाँ पर नजर आ रही है, अगर चाहते हैं कि आप इसे सर्विस विंडो रखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज हटाना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, ये आपके ऊपर है, जैसा आप डिजाइन आपको पसंद हो। तो इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, और बेडरूम से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम है, जो कि बहुत जगह पे बहुत से लोगों की यार एक जरूरत होती है कॉमन वॉशरूम की, काफी अच्छी स्पेस हमें यहाँ पर मिलेगी, और जो डिजाइन यहाँ पर दिया गया है यार वो काबिले तारीफ है, बिल्कुल अलग, बहुत ही खूबसूरत सी टाइल्स यहाँ पर दी गई हैं, उससे खूबसूरत उसका जो कलर कॉम्बिनेशन बनाया गया है यहाँ पर, ये पूरी हर चीज को अच्छे से यूज किया गया, देखिए यहाँ पर अलग से एक स्पेस यूज करने के लिए रखी गई है जो हर जगह मिसिंग रहती है, टैप्स आपके जितने जैगुआर के रहेंगे और ब्रांडेड और डिजाइनर रहेंगे, वॉल हैंगिंग आपका सिंक रहेगा, वॉल हैंगिंग आपकी सीट रहेगी, एक अच्छे डिजाइन के साथ हमें कुल मिलाकर पूरी चीजें मिल जाती हैं। और ठीक इसके साथ हमारा फर्स्ट बेडरूम, जी हाँ, इस कॉमन वॉशरूम के साथ हमारा ठीक बेडरूम आ जाता है, जिसका जो साइज रहेगा वो 11x14 का रहेगा, तो कहने का मतलब ये है कि एक खुला डुला सा बेडरूम हमारे पास मिलेगा यहाँ पर, और 11x14 में जो आपकी वार्डरोब होगी वो आपकी इनबिल्ट रहेगी, तो कहने का मतलब ये आ जाता है कि आपकी 11x14 जो स्पेस है वो सिर्फ आपकी है, आपका बेड लगेगा, उसके बाद अगर आप छोटी मोटी कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, कोई चेयर है या हल्का सा कोई टेबल लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। एक खूबसूरत सा वॉलपेपर यहाँ पर, प्यारी सी सीलिंग पर डिजाइन, और एक बड़ा शानदार सा हमारा बेडरूम, जी हाँ। देखिए इस तरफ जो हमारी अलमीरा दी गई है काफी अच्छा साइज है और काफी अच्छा डिजाइन है, वाकई बड़े प्यारे से तरीके के साथ इसको डिजाइन किया गया है, एक सूझबूझ के साथ पूरी स्पेस हमें यहाँ पर मिलती है, नीचे आपके ड्रॉर्स हम आपको पूरे मिलते हैं, और ऊपर जो है वहां पर भी आपको स्पेस मिलती है, तो कहने का मतलब जो स्पेस थी उसको पूरे अच्छे तरीके के साथ यूटिलाइज किया गया है। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ यहां पर हमारे पास एक खिड़की आती है, ताकि जो फ्रेश लाइट है और फ्रेश एयर है वो हमारे पास सारा दिन आती रहे, और ट्रस्ट मी इसके साथ जो आपका बैकयार्ड है या फिर वॉशिंग एरिया है वो यार वाकई बहुत बड़ा है, आप इजीली यहाँ पर वॉशिंग के साथ क्लोथिंग दोनों यहाँ पर कर सकते हैं, एक अच्छी स्पेस, वाकई बहुत अच्छी स्पेस, और ठीक मेरे पीछे यहाँ पर आपको एक स्टोर भी मिल जाता है, आप इसे पूजा रूम बनाए या स्टोर बनाए काफ़ी अच्छी स्पेस है, इजीली आप जैसे आप इसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, रैक आपको इसके अंदर एक मिल जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं बाकी सेकंड बेडरूम की तरफ, और यार जो हमारा ये बेडरूम था इसके साथ जो हमने वॉशरूम देखा था इसकी एक्सेस बहुत अच्छी है, आप उधर से आए या फिर इधर से तो एक्सेस आपकी बड़ी अच्छी सी रहेगी, सेम हमारा वॉशरूम रहेगा, और दोस्तों इस तरफ हमारा सेकंड बेडरूम इस घर का, और सेम जैसा हमने पहले देखा वैसे एक बड़ा सा बेडरूम,
11x14 का एक खुला डुला सा यार अपार्टमेंट, हमारा खुला डुला सा हमारा बेडरूम यार। इतना चीज़ें देखने के बाद ना मुझे खुद यकीन नहीं होता कि यार वाकई 110 गज है जी, वाकई 110 गज, और उसके अंदर इतना अच्छा डिज़ाइन कि यार आपको बेडरूम से भी इतने अच्छे अच्छे निकाल दिए गए हैं। पीछे बैकयार्ड आपको मिल गया है, स्टोर आपको मिल गया, कॉमन वॉशरूम आपको मिल गया, बड़ा सा ड्राइंग डाइनिंग आपको मिल गया। तो यार बड़ा सोच के जो कहते हैं ना नक्शा बनाया गया होता है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। ये अलमारियाँ हमें यहाँ पर भी मिलती हैं दोनों तरफ बेड के, और बड़े अच्छे से डिज़ाइन की गई हैं। आपकी जो स्पेस है बेडरूम की वो कहीं ख़राब नहीं होती। डिज़ाइन इसको ऐसे किया गया ताकि आपका बेड लगे आराम से और उसके बाद आपकी अलमीराज लगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोनों तरफ आपके अलमीराज हैं, बीच में आपका बेड पूरा प्रॉपर आया हुआ है 6x6.5 का, उसके बाद स्पेस ही स्पेस है। ये एक तरीका होता है यार स्पेस को यूज करने का। और सेम यहाँ पर भी हमारे पास जो बड़ी सी अलमीरा हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो यार स्टोरेज आपकी जो है ना यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी स्टोरेज है, एक खुले डुली सी स्टोरेज जैसे बोलते ना, एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पर। सारे के सारी डबल लेमिनेशन रहेगी, और ठीक मेरे इस तरफ आपका एक बड़ा सा वॉशरूम। यार जो खूबियाँ इस घर के अंदर हमें मिलती है ना, वाकई बहुत कम होता है जो हमें हर जगह मिल जाए। एक अच्छी सी स्पेस के साथ हमारा वॉशरूम डिजाइन किया गया, कलर्स बहुत अच्छे यूज किए हर जगह टाइल्स के। ये देखिए सिर्फ पैसा लगाने से सब कुछ नहीं होता, अगर आपके पास एक अच्छा आर्किटेक्ट है और कलर्स आप अच्छे यूज करते हैं तो यार हर चीज के अंदर जान आ जाती है। ये वाकई वैसी चीज है। और दोस्तों जैसे हमने पहले बेडरूम के साथ देखा था सेम वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास एक बैकयार्ड के लिए डोर है, और साथ में हमारा खिड़की, यहाँ से हमारे सारा दिन हमारे घर के अंदर जो है फ्रेश एयर वेंटिलेशन सारे दिन रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 2BHK अपार्टमेंट, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। अपार्टमेंट के बारे में कोई सुझाव है आपका या फिर कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स पे अपना सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक आपसे इजाज़त लेता हूँ, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।